हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। तो साथियों, जो बंदे फौज के अंदर सर्विस कर करके आ गए हैं, ठीक है, यानी जो एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनके लिए बहुत ही जरूरी सूचना है, बहुत ही बेहद मददगार ये वीडियो साबित हो सकता है उनके लिए कि उनके लिए डीएससी की भर्ती आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये भर्ती सिर्फ उनके लिए है, यानी कि जो बंगाल इंजीनियर ग्रुप से रिटायरमेंट हुआ है, बंगाल इंजीनियर ग्रुप से जो बंदा रिटायर हुआ है और जिसकी क्या है रिटायरमेंट की जो डेट है 2 साल के अंदर अंदर अभी आया है वो, तो उसके लिए ये डीएससी में जाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है। तो साथियों, अभी बताएंगे इसके बारे में। अभी जो ये रैली है, लेटर अभी 6 जून यानी आज ही है, आज 6 जून ही है, आज ही निकला है। वहाँ पर जो अपना अर्जुनेंट है, ग्रुप अर्जुनेंट, उसने लेटर निकाला है, डीएससी रैली बीजीएन सेंटर रोड की, ओनली फॉर बंगाल सेपर्स। जो कि मैंने बताया कि ये वीडियो मतलब जो भर्ती है सिर्फ ओनली बंगाल सेपर्स, बंगाल सेपर्स में इनका भली भांति जानते हैं, यानी कि जो बंगाल सेपर्स में भर्ती हुआ था और बंगाल सेपर्स रिटायरमेंट हुआ है उसके लिए डीएससी भर्ती है, जो कि दोस्तों चलेगी 14 जून से स्टार्ट है ये भर्ती, 14 जून 2022। और भर्ती का जो प्लेस है वो है दोस्तों पवेलियन ग्राउंड, यानी कि जो बीजी सेंटर का जो सेपर्स है बंदा है वो जानता है पवेलियन ग्राउंड कौन सा है, ठीक है। तो वहाँ पर ये भर्ती होगी। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए दोस्तों, तो आपको नंबर एक चाहिए डिस्चार्ज बुक, नंबर दो चाहिए आपका एक सर्विस मैन का जो आई कार्ड मिलता है वो वाला, नंबर तीसरा आपको 10 फोटो चाहिए, यानी कि उसमें आपने व्हाइट शर्ट और पीछे भी व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी व्हाइट शर्ट पहन के फोटो खिंचाना है आपने और पीछे जो बैकग्राउंड है वो भी आपका व्हाइट ही होगा। उसके बाद दोस्तों, एक होती है पुलिस वेरिफिकेशन, यानी ये वेरिफिकेशन 6 महीने चलती है, इसका मतलब है यानी कि उसको बोलते हैं पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको पुलिस आजकल राजस्थान में तो हमारे यहाँ सब जगह चल रहा है कि ऑनलाइन ही बनता है, ठीक है, किसी भी आप इंटरनेट वाले पर चले जाओ भाई, वो बना के दे देगा आपको, 2-3 दिन के अंदर ही बन के आ जाता है। उसके बाद दोस्तों, आगे चाहिए आपके लिए एजुकेशन, कम से कम आप 10 पास होने चाहिए इसमें, यानी जो बंदा 10th पास है वो इसके लिए एलिजिबल है। और एज दोस्तों इसमें बताई गई है, यानी जो सिपाही है जीडी उसमें भर्ती होगा उसकी एज है दोस्तों अब तो 40 साल, यानी 40 साल से वो बंदा ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर वो भर्ती देखता है क्लर्क एसकेड, यानी वो क्लर्क है, तो उसकी एज है 48 साल, तो यानी 48 साल तक भी वो भर्ती देख सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे करेक्टर की, यानी जो इसमें करेक्टर लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है एग्जाम्पलरी या वेरी गुड, यानी जो आपके डिस्चार्ज बुक में जो आपका करेक्टर लिखती है सेना वो वेरी गुड या एग्जाम्पलरी तो होना ही चाहिए। उसके बाद बात करेंगे मेडिकल कैटेगरी की, तो मेडिकल कैटेगरी दोस्तों आपकी सेफ बन होनी चाहिए, बाकी कैटेगरी वाले बंदे को वहाँ पर भर्ती में नहीं लिया जाता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो है, यानी जिस दिन से आप डिस्चार्ज आए हैं या आप पूरी फुल पेंशन अपना कलर सर्विस करके पेंशन आए हैं, तो उनका 2 साल का ही गैप होना चाहिए, 2 साल से 1 दिन भी ज़्यादा गैप हो गया आपका तो वो नहीं लेंगे आपको, 2 साल से अंदर ही गैप होना चाहिए आपका। और सबसे बड़ी बात एक और है इसमें पनिशमेंट, यानी कि आपके पूरी सर्विस के अंदर 2 रेड एंट्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और पिछले जब भी आप यानी कि रिटायरमेंट हुए हो उस डेट से लेकर के पिछले 5 साल के अंदर कोई भी आपकी 2 रेड एंट्री यानी 1 रेड एंट्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और पूरी सर्विस में 2 रेड एंट्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो ये थी भर्ती। तो आप जो भाई अपना डीएससी में, यानी डीएससी है डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स, और हम जो अपने आम भाषा में बोलते हैं फौजी भाषा में बोलते हैं इसको, यानी कि दोबारा सर्विस चालू, तो इसकी भर्ती निकल चुकी है दोस्तों। तो जो इसमें जो भाई अपना भर्ती होना चाहता है दोबारा अपने, और सबसे बड़ी बात है डीएससी में दोस्तों आजकल पेंशन भी लागू पेंशन ही मिलेगा अगर आप पेंशन तक पहुंच जाते हैं वहां पर, तो पेंशन दोनों जगह मिलती है, ठीक है। और रही बात डीए की, पहले ऐसी कुछ मिथ्यता थी कि डीए सिर्फ एक ही जगह मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ वाले कई बंदे भर्ती हो गए हैं, डीए दोनों जगह मिलेगा, यानी जो आप पेंशन ले रहे हो उस पर भी डीए मिलेगा आपको, जितना डीए परसेंट लागू है। और जब आप डीएससी में भर्ती हो जाओगे तो जो डीएससी में आपकी जो बेसिक सैलरी होगी उसके ऊपर भी आपको जितना परसेंट डीए लागू है वो डीए भी पूरा मिलेगा, 100% नहीं 1000% ये सत्य है, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल मैं देता हूँ अपने शब्दों को विराम, ये आपके लिए बहुत ही जानकारी भरा वीडियो पेश किया है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक है, और सब्सक्राइब करना कतई भी ना भूलें। जय साथियों।